फतेहपुर जिले में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिवसीय प्रयागराज झांसी स्नातक क्षेत्र के स्नातक चुनाव प्रबंधन कार्यशाला में मुख्य अतिथि रूप में आए थे, जहां उन्होंने स्नातक चुनाव के मद्देनजर 10 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। वहीं उन्होंने कोरोना के प्रदेश में दस्तक पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम पर कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, हाथ धोकर व्यवस्थित रहना चाहिए, प्रदेश व देश के लोगों को सचेत रहना चाहिए। वहीं उन्होंने नई जनसंख्या नीति ला सकती है योगी सरकार के सवालों को टालते हुए कहा कि आपको किसने बताया, मेरे जानकारी में नहीं है। वहीं उन्होंने उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे पर कहा कि अच्छी बात है पूरा देश दर्शन करे, प्रभु राम की संत किसी पार्ट में नहीं बटे हुए हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। वहीं उन्होंने 15 मार्च को चंद्रशेखर द्वारा पार्टी का गठन करने के सवाल पर कहा कि हजारों पार्टियां यहाँ पर काम कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार एक कानून बना रही है, जो भी उसके दायरे में नहीं आएगा उसको सरकार लाभ नहीं देगी, क्या कहेंगे? किसने बताया? मुख्यमंत्री जी कोई आदेश है? हमें तो जानकारी नहीं, मेरे जानकारी में कोरोना प्रदेश के 3 जिलों में देखने को मिला, मरीज मिले, सरकार उसके लिए क्या कर रही है? अफवाहों पर अंकुश रखना चाहिए, कुल मिलाकर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार करते रहें, स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, हाथ धोकर थोड़ा व्यवस्थित रहना चाहिए। क्या कहीं राज्य के अंदर या देश के अंदर कहीं ऐसी कोई खास नहीं, लेकिन सचेत रहना चाहिए। सर उद्धव जी आज